ठीक है बच्चों, तो हमने अभी इसको देखा और हमने अभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में चेकरबोर्ड को भी हमने क्रॉस भी किया और चेकरबोर्ड को भी हमने भरा। तो जो ग्राफ बनता है बच्चों, तो जो ग्राफ बना तो आप देखिए कि आपके बिल्कुल इधर जो है वो लाइट कलर्ड है और बिल्कुल एक्सट्रीम पर डार्क कलर, मतलब जो लाइट और डार्क कलर के जो पॉपुलेशन है वो आप देखिए कि बिल्कुल कम है। ठीक है, क्योंकि हमने रेशियो देखा तो वो रेशियो कैसा था, 1:6:15:20:15:6:1। ठीक है, जो हमने जो रेशियो देखा वो क्या था, F2 जनरेशन का हमने देखा 1:6:15:20:15:6:1। ठीक है, तो ये जो है ये आपके वेरी लाइट कलर, ठीक है, ये वेरी डार्क कलर, ये जो हो गए वो इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट ये जो हो गए ये इंटरमीडिएट और डार्क के बीच के हो गए। ठीक है, ये न ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है और बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है। ठीक है, इधर अपन चलें तो ये इंटरमीडिएट से फेयर हो गए। ठीक है, इंटरमीडिएट से ये फेयर हो गए और भी उस तरफ चले तो ये मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन जो है हमको शो कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो यहाँ पर एक्सट्रीम्स पर जो है ये बहुत कम पाए जा रहे हैं और इंटरमीडिएट्स हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं। वैसे ही आप हाइट में भी देख लीजिए, ठीक है, वैसे ही आप आई कलर में भी देख सकते हैं। ठीक है, कि आपको इंटरमीडिएट हाइट के लोग जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे लोग या बहुत ज़्यादा छोटे लोग आपको कम देखने को मिलेंगे एज़ कंपेरेबल टू इंटरमीडिएट हाइट के लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ भी लिया है, यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको पॉपुलेशन में आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो इस टाइप का मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हुआ क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात हुई, या इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। थैंक यू।